पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। इस बाबत गृह मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान सुरक्षा कवर की समीक्षा की गई है। ये समीक्षा सुरक्षा एजेंसियों की ओर से संभावित खतरे को देखते हुए की जाती है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद मनमोहन सिंह को जेड प्लस की सुरक्षा कवर दी जाएगी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का फैसला खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर कैबिनेट सचिव और गृह मंत्रालय के बीच समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया है। अब तक सिर्फ 5 लोगों को एसपीजी सुरक्षा मिली थी, अब केवल 4 लोगों को ही एसपीजी सुरक्षा मिलेगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल है। खबरों के मुताबिक पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सुरक्षा में एसपीजी के करीब 200 जवान लगे हुए थे। अब सभी जवानों को वापस आने का आदेश जारी कर दिया गया है। फिलहाल मनमोहन सिंह को जेड प्लस की सुरक्षा मिलती रहेगी, यानी उनके साथ एनएसजी और सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। जेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था में 55 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। इसमें करीब 1 दर्जन एनएसजी कमांडो होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।